यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सपा नेत्री हरियाणा की मशहूर आइटम गर्ल सपना चौधरी को चैलेंज कर सुर्खियों में आना चाहती हैं। 11 मार्च को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में रागिनी सिंगर एवं डांसर सपना चौधरी के होने वाला शो हो रहा है। हाल ही में कानपुर में सपना चौधरी का कार्यक्रम हुआ था, जहाँ मारपीट के होने के बाद से अक्सर विवाद होता रहा है। फतेहपुर जिले के सपा महिला सभा के प्रदेश सचिव तरन्नुम परवीन ने सपना चौधरी को खुला चैलेंज दिया है कि सपना मेरे सामने डांस करके दिखाया। सपना सपा नेत्री ने खुद डांस करते हुए वायरल किया है। वीडियो जो चर्चा का विषय बना हुआ है। 11 मार्च को फतेहपुर में है सपना चौधरी का कार्यक्रम। सपा नेत्री का दावा है, जिले को लूटने नहीं देंगे आयोजक उसकी जैसे टैलेंट प्रतिभा का कराए कार्यक्रम और उसे आने वाले धन को गरीबों में दे। सपा नेत्री के वीडियो वायरल किए जाने के बाद से सपना चौधरी का कार्यक्रम एक बार फिर कानपुर के बाद फतेहपुर में विवादित होने के साथ ही साथ सुर्खियों में होता जा रहा है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत पूरे कुनेवा के साथ फोटो खिंचवा कर सपा की राजनीति में किस्मत आजमाने वाली सपा नेत्री के इस दावे में इतना दम है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल वीडियो वायरल होने से सपा भी जमकर छीछा लेदर होती जा रही है। ये बात कर रही हूँ कि हमारे जिले में 11 तारीख को सपना चौधरी जी आ रही हैं, हरियाणा की निवास करती हैं और मैं फतेहपुर की ही निवासी हूँ, लेकिन मैं फतेहपुर में रहने के नाते मैं ये कह रही हूँ कि अपने फतेहपुर में भी कोई प्रतिभाएं हैं तो उन्हें भी इस मौके पे ऐसे जो है रास्ते चैलेंज करने का मौका देना चाहिए। और मैं खुद चैलेंज करती हूँ कि हाँ जी, मैं सपना से अगर मैं 19 नहीं रहूंगी और 20 ही रहूंगी, क्योंकि टैलेंट हर एक के गॉड गिफ्ट होता है, वो ऊपर वाला उसे देता है, ना कि किसी के एक दूसरे के लेने देने से नहीं, वो गॉड गिफ्ट अपने आप कॉन्फिडेंस है मुझे। और मैं सपना जी को चैलेंज कर रही हूं कि उनके ही गाने पे मैं उनसे ही अच्छा करके दिखाऊंगी और ऑडियंस को खुश करूंगी। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो जानी मानी हस्ती है, मैं उनका आदर करती हूँ। मतलब ये है कि मैं भी जिले से हूँ तो हमारे जिले में आ रही है, तो उनको भी मैं दिखाना चाह रही हूँ उनके साथ कंपटीशन करके कि जहाँ पे आप आई हैं तो यहाँ भी प्रतिभाएं हैं, आपसे कंपटीशन करने के लिए बैठी हैं। अच्छा, सपा नेत्री भी आपके सस्ती लोग कहते पाने के लिए तो नहीं इस तरह? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं है कि मैं लोकप्रिय नहीं हूँ, मैं ऐसे भी मीडिया में रहती हूँ, सोशल मीडिया में आप देखेंगे मैं रहती हूँ अक्सर, और इसके बावजूद भी मुझे कहते नहीं कि जैसे आपने क्वेश्चन किया कि हाईलाइट होना चाह रही हूँ, हाईलाइट जब होता है, जब टैलेंट होता है, जब मेरा टैलेंट दिखेगा तब हाईलाइट मैं अपने आप हो जाऊंगी। किन किन फिल्मों में गाना गा चुकी हैं आप? मैंने 3 घंटे बाद में भी किया है, मैंने गीता पंडित जी हैं उसमें मैंने आइटम सॉन्ग किया है, गुलाबी गुलाबी होटियों को होटन से लगाई के मैंने उसमें भी किया है, और अभी मेरा गोरखपुर साइड में भी लगा हुआ है टाइम है, और फिर उसके बाद बिहार में भी टाइम मांगा गया था लेकिन मैं वहां नहीं गई, आज चुनाव की वजह से मैं उधर के लिए कैंसिल कर दी हूं, और है मुझ में तो इसलिए। आपने कितने एल्बम और कितने सॉन्ग्स में डांस किया? मैंने कई एल्बम में किए हैं और आइटम सॉन्ग किए हैं 3 घंटे बाद में फिल्म में। अगर सपना चौधरी एक्सेप्ट करती तो आप? बिल्कुल, मैंने तो चैलेंज कर दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरन्नुम परवीन उर्फ रेखा। अर्थ 24 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट संदीप केसरवानी।